नमस्कार मिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। अरुण सागर बोले, जिले भर की जनता उनके साथ, प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित हैं लोग। समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका। उमाया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे उपेंद्र पाल हुए भाजपा में शामिल। जलालाबाद अध्यक्ष मनेंद्र गुप्ता और 11 सभासदों ने भी भाजपा का दामन थामा। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। उड़न दस्तों द्वारा जगह जगह पर की जा रही संदिग्ध वाहनों की चेकिंग। जलालाबाद क्षेत्र में भीषण गर्मी से परेशान ग्रामीणों ने विद्युत केंद्र पहुंचकर किया प्रदर्शन। पलरई के ग्रामीण बोले, काफी समय से गांव में नहीं पहुंच पा रही विद्युत आपूर्ति, बिजली विभाग के अधिकारियों के लगा चुके हैं गुहार। ये थी दिन भर की हेडलाइन। अब दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शाहजहांपुर से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण कुमार सागर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा ददरौल विधानसभा उपचुनाव के लिए अरविंद सिंह ने भी पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अरुण कुमार सागर ने कहा कि जिले भर की जनता उनके साथ है और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर जनता उन्हें प्रचंड जीत दिलवाएगी। उन्होंने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की भी अपील की। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए उड़न दस्ते संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। उड़न दस्ते के प्रभारी सुधीर सिंह अपनी टीम के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कुमाया थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दरअसल कुमाया थाना क्षेत्र के सवली कटैली गांव का रहने वाला रजनीश किसी काम से कुमाया आया हुआ था और घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान मजिगमा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने ददरौल विधानसभा के उपचुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यहां विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके बेटे अरविंद कुमार सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया है और वह चुनाव मैदान में हैं। वहीं आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। भीषण गर्मी से परेशान ग्रामीणों ने जलालाबाद बिजली घर में प्रदर्शन किया। दरअसल पलरई गांव के ग्रामीण आज विद्युत केंद्र जलालाबाद पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि वह काफी समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में क्षमता के अनुसार ट्रांसफार्मर न लगा होने के कारण आए दिन ट्रांसफार्मर फूक जाता है, जिसके बाद विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार अपनी समस्या को रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका समाधान नहीं हुआ। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा स्थल में मानव श्रृंखला बनाकर छात्र छात्राओं ने भारत का नक्शा बनाया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरे रंग के गुब्बारे लिए हुए थे और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा।
पोवाया से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे उपेंद्र पाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा जलालाबाद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनेंद्र गुप्ता ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। साथ ही नगर पालिका के 11 सभासद बीजेपी में शामिल हुए हैं। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बीजेपी का पटका पहनाकर सभी को बधाई दी। इस दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह परिवारवादी पार्टी है। उन्होंने पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया है। मदनापुर में सेवानिवृत्त हुई शिक्षिका सुशीला देवी को विदाई दी गई। यहां राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ब्लॉक इकाई द्वारा विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में शिक्षिका सुशीला देवी और नाजमीना इशरत को फूलमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोदीपुर स्थित किड्स जोन इंटरनेशनल स्कूल में आज विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां नन्हे मुन्ने बच्चों को मां पृथ्वी के बारे में बताया गया। इस मौके पर विद्यालय डायरेक्टर सचिन बातम ने कहा कि पृथ्वी दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इस मौके पर भागीदारी करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट भी दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को शाहजहांपुर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज शाहजहांपुर के भाजपा कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी शामिल हुए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसमें केवल अपने परिवार को डेवलपमेंट किया जा रहा है, जबकि उनका नाम समाजवादी है, लेकिन वह सबसे बड़े परिवारवादी हैं।